नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने बिहार उत्कर्ष परिवार में और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव आपको मिल जाएंगे 2025 के अंदर और उससे पहले आपको धमाकेदार भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। इसके साथ साथ हम पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। साथ के साथ कुल मिला के 1,000,000 वैकेंसीज देने का वादा जो है वो बिहार सरकार के द्वारा किया गया था। अब उस वादे को पूरा करने का समय आ गया है क्योंकि अगला वादा जब वो करेंगे उससे पहले उन्हें अपने पुराने वादे के ऊपर जो प्रक्रिया है या फिर जो भी प्रतिक्रिया है वो दिखानी पड़ेगी और दर्शाना पड़ेगा लोगों को, विद्यार्थियों को, कि भैया हमने जो कहा था वो पूरा करके आपको दिखाया है। तो आप देख सकते हैं कि बिहार पुलिस के अंदर, बेसिकली बिहार पुलिस के अंदर नई भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। इसमें एसआई, कांस्टेबल और सिपाही चालक की भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। कुल मिलाकर 45,650 पदों की यहां पर हम चर्चा करने जा रहे हैं किस विभाग में कितनी वैकेंसीज होंगी। साथ के साथ यहां पर हम ये भी जानेंगे कि योग्यता क्या होगी, क्वालिफिकेशन आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगी और साथ के साथ ये भी जानेंगे कि किस पद के लिए कितनी आयु, न्यूनतम जो आयु है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। तो सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती है, क्योंकि लंबे समय से विद्यार्थी जो है वो एसआई, कांस्टेबल या फिर सिपाही चालक की अगर हम बात करें तो उस भर्ती का इंतजार कर रहा था। तो मैं आपके सामने एक न्यूज़पेपर की कटिंग लगाने जा रहा हूं जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कितने पद होंगे, कितनी वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेंगी, किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज मिलेंगी, एसआई की कितनी होंगी, कांस्टेबल की कितनी होंगी, इसके अलावा सिपाही चालक की कितनी वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो देख सकते हैं जैसे कि बिहार पुलिस में इस साल 45,650 पद पर होगी बहाली, चल रही है तैयारी। मतलब जो तैयारी है, डिपार्टमेंट इंटरनल वैकेंसीज मांग रहा है, जो पुरानी वैकेंसीज पेंडिंग है उसका भी संज्ञान लिया जा रहा है। इसका मतलब नई वैकेंसीज पर भी चर्चा हो रही है, जो पुरानी बहाली पेंडिंग है उसके ऊपर भी यहाँ पर चर्चा होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, इसमें देखते हैं बिहार पुलिस में इस साल 45,650 पदों पर बहाली की संभावना देखने के लिए मिल रही है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय में तैयारी पूरी कर ली गई है। इनमें 24,269 नए पद हैं जबकि 21,391 सिपाही के पूर्व से लंबित पदों पर बहाली होगी। नए पदों पर बहाली को लेकर गृह विभाग और वित्त विभाग की मंजूरी के बाद जल्द ही रोस्टर तैयार किया जाएगा, संभावित आयोग को भेज दिया जाएगा। इस साल बहाली को लेकर कुल चिन्हित 24,269 पदों में से 19,496 पद, 469 पद सिपाही एवं समकक्ष, मतलब बेसिकली समकक्ष यहां पर पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो सिपाही और समकक्ष 28,000 पदों में सिपाही चालक एवं 2,000 पदों में दरोगा की पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। बिहार पुलिस मुख्यालय के मुताबिक सूबे की बढ़ती जनसंख्या और डायल 112 की आवश्यकता को देखते हुए गृह विभाग ने पिछले साल बिहार पुलिस के लिए 75,543 पदों का सृजन किया था। इसमें जनसंख्या आधारित सीधी नियुक्ति 49,447 पदों पर है। उनमें से 24,269 पदों पर बहाली हेतु प्रक्रिया जो है वो शुरू की जा रही है। मतलब बेसिकली इसमें वो बताने का ये प्रयास कर रहा है कि भैया एसआई की वैकेंसी भी आपको मिलेगी, कांस्टेबल की वैकेंसी भी आपको मिलेगी, सिपाही चालक की वैकेंसी भी आपको मिलेगी, इसके अलावा डायल 112 जो होता है उससे संबंधित भी यहाँ पर जानकारी आपको दी गई है कि जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है अपने राज्य की, वैसे वैसे पुलिस कर्मियों की आवश्यकता ज़्यादा बढ़ रही है। इसके अलावा डायल 112 वहाँ पर भी फ़ोन अटेंड करने के लिए किसी ना किसी का होना अनिवार्य है। तो इसके लिए ये जो पूरी की पूरी डिटेल है ना, ये डिपार्टमेंटों को भेजी जा रही है और साथ के साथ ये तय किया जा रहा है कि भैया कब तक इस वैकेंसी के ऊपर हम निर्णय ले सकते हैं और कब इसकी नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। अभी देखिए धीरे धीरे करके अपडेट्स जो हैं वो बाहर आ रही हैं। मोस्ट प्रोबेबली हद मार के बताऊंगा सर, हद मार के, जैसे कि वो बोल रहा है कि इसी ही साल ये वैकेंसी जो है भरने की प्रोसेस कंप्लीट हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद है कि इसी साल आपकी परीक्षा भी कंडक्ट करा ली जाए आपकी और इसी साल आपका रिजल्ट भी आ जाए और बहुत हद तक चांसेस हैं कि 2025 में इलेक्शन से पहले, चुनावों से पहले आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाए। अब अगर हम बात करें एसआई के लिए, आप सभी लोग जानते हैं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए आपकी जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन होती है वो ग्रेजुएशन आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर हम कांस्टेबल के बारे में बात करें तो 12वीं पास अगर आप होंगे, एक तय निश्चित आपकी हाइट होगी तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकेंगे। साथ के साथ अगर हम बात करें भाई कि क्वालिफिकेशन आपने देख लिया, क्वालिफिकेशन आपकी या तो भैया ग्रेजुएट एसआई का अगर आप फॉर्म भरेंगे, अगर आप फॉर्म भरते हैं कांस्टेबल वाला तो 12वीं पास। इसके अलावा एज लिमिट की अगर हम बात करें तो
21 साल के आसपास एसआई की आपको देखने के लिए मिल सकती है। बेसिकली कांस्टेबल की आपको 18 साल से लेकर 37 के आसपास देखने के लिए मिल सकती है। इस एज में कुछ अगर बदलाव होता है, किसी प्रकार की कोई नई अपडेट जब नोटिफिकेशन जारी की जाती है उसमें बताया जाता है, तो जरूर आपके लिए उससे संबंधित वीडियो में लेकर आऊंगा। मगर जो विद्यार्थी पिछले एक साल से, डेढ़ साल से, मतलब मान लीजिए दो साल से तैयारी कर रहा है और उसका सपना है कि भैया दरोगा बनना है, एसआई बनना है मुझे कांस्टेबल बनना है या फिर मुझे बिहार पुलिस में किसी एक पद पर जाकर बैठना ही बैठना है, तो भैया ये खबर आपके लिए है क्योंकि ऑलमोस्ट आप सभी लोग एलिजिबल होंगे। बिहार में बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो 12वीं और ग्रेजुएशन वाली बैठी हुई है। कई सारे विद्यार्थी आज भी ऐसे हैं जो बाहर निकल के अपनी तैयारियाँ करते हैं और तैयारी के बाद भी उनको कहीं ना कहीं वैकेंसी का इंतज़ार होता है, तो अब वैकेंसी से संबंधित जानकारी डेली ही आपको कुछ ना कुछ मिल रही है। जैसे जैसे अपडेट कुछ ना कुछ आएगी मैं आपके सामने इससे संबंधित जानकारी लेकर आता रहूंगा। अब सवाल आता है कि तैयारी कैसे करनी चाहिए। भैया देखो, तैयारी करने के लिए आपको सीधी सी सिंपल सी मैं ये चीज कहूंगा कि थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है, थ्योरी पढ़ना बहुत आवश्यक है। अगर आपने अभी भी सही तरीके से थ्योरी नहीं पढ़ी है तो थ्योरी जरूर पढ़िए। इसके फॉर्म जो है वो अगस्त के माह में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी प्रक्रिया जो है अभी विभागों में खाली पद भी मांगे जा रहे होंगे, बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन आगे भेजी जा रही होंगी। जैसे ही रोस्टर तैयार हो जाता है कि भैया कुल मिला के कितनी महिला पुरुषों के लिए कुल मिला के कितनी, वैसे ही नोटिफिकेशन इसकी जारी कर दी जाएगी। तो इसमें मान लीजिए 1 से 2 महीने का समय अभी लग सकता है, मगर ये सभी काम आपको 2025 की विधानसभा चुनाव से पहले देखने के लिए मिलेंगे। कुल मिला के अच्छे खासे लाखों पदों पर भर्ती, मैं हमेशा मेरे इवेंट में एक चीज क्लियर करता हूं कि लाखों पदों पर भर्ती होती हुई आपको नजर आएगी। अब थ्योरी की जब बात आती है तो सर बहुत सारे कोर्सेज आपको उत्कर्ष परिवार के द्वारा प्रोवाइड करवाए गए हैं, चाहे वो बिहार की प्रतियोगी परीक्षा के हो, चाहे वो अन्य प्रतियोगी परीक्षा के हो। हमारे पास बिहार कांस्टेबल एसआई के लिए एक फाउंडेशन बैच है, एकदम फाउंडेशन मतलब मान लीजिए बिल्कुल जीरो से वहां पर काम आपके लिए करवा रहे हैं, एकदम शून्य से काम आपके लिए करवा रहे हैं। हर एक प्रकार की बेहतरीन फैकल्टी वहां पर आपको मिल जाएगी। मैं खुद पॉलिटी, स्टैटिक जीके और करंट का सेक्शन वहां पर डील करता हूं, आपका एक सवाल नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। ये उत्कर्ष हमेशा आपके साथ वादा रहा है। इसके साथ साथ हमारा जो परिवार है, आपका जो अपना परिवार है, वो 13 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंच गया है, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, जिसके चलते हम आपके लिए अपनी तरफ से कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हर एक कोर्स पर आपको अप टू 90% का डिस्काउंट मिल जाएगा, साथ के साथ ये 13 मिलियन की खुशी में आपको एडिशनल 13% का डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। उसमें आपको कोड इस्तेमाल करना है UC13। जब आप जाएंगे कोर्स परचेज करने के लिए उत्कर्ष एप्लीकेशन पे, तो पहले से ही अप टू 90% तो उस पे लगा हुआ है, मगर वो जो एडिशनल 13% आपको लेना है ना डिस्काउंट, उसके लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है UC13। और ये ऑफर भी केवल वैलिड है कब तक, तो 20 जून मतलब कल ही तक एक तरीके से ये ऑफर जो है वो वैलिड है। तो आज ही इस ऑफर का लाभ उठाइए ताकि आपको आने वाले समय में थ्योरी से संबंधित किसी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य जानकारियों के लिए, आज ही सब्सक्राइब कीजिए अपना बिहार उत्कर्ष परिवार। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।